अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग वीडियो बना रहे इसके लिए, पटले के लिए, नीतीश राणे के लिए। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे महाराष्ट्र के पीएम है, वो कभी हमारे कौम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, हमारे मस्जिद के बारे में, हमारे नबी के बारे में ये बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, जबकि वो कितने बड़े पीएम है, हमारे हिंदुस्तान के पीएम, इंडिया चला रहे वो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चला रहे, वो कभी नहीं बोले। और ये पटला झाटू बोलता है मस्जिद में घुस के मारेगा, न कभी सीएम ने बोले, न कभी पीएम ने, न कभी होम मिनिस्टर ने। और आगे आगे जब इसके भी कैसे हम लोग स्पीच देते, स्पीच बजाते हैं, ये पूरा वीडियो देखना है तुम लोग। और हाजी अराफत भाई सलूट है, हम सब आपके साथ है हाजी भाई। आधी रात को भी हाजी भाई के लिए हमारी पूरी कोम बदला, आज हाजी भाई हमारी पूरी महिला टीम आपके साथ, हाजी भाई ने दिल खुश कर दिए, बोलना जरूरी है। ये बीजेपी के हाजी भाई भी हाँ, लेकिन नीतीश राणे के बारे में बोले ना अपने इस्लाम के बारे में, बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। तो पूरा हाजी अराफत के लिए तो पूरी हमारी टीम आती रहती है हाजी अराफत भाई। और जो जो सुन रहे हमारी कौम के लिए, हमारी मस्जिद के लिए, हमारे नबी के लिए, आगे आओ और बोलो। सही, हमारी को तकलीफ हो रही है तो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन लोग तो मिलेंगे नहीं, तो जो जो अगर किसी को लग रहा है तो आप भी सोशल मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं कि भाई हमारे कौम तक, हमारी मस्जिद, हमारे नबी तक जरूरत ही हमारा अधिकार है बोलने का। हमारे कौम वाले हम नहीं सुन सकते, ये हमारा भी अधिकार है बोलने का। जब आटू छाटू कोई भी आके हमारे कौम के बारे में बोलता है ना, तो हमारा भी अधिकार है बोलने का, खोलता है, बोलने का खोलता है। और आगे का पूरा वीडियो आप लोग प्लीज देखना, प्लीज देखना हमारी कौम के लिए, बिल्कुल। जो ये आटू झाटू एरे गेरे इसकी माँ का भुसड़ा, सही बात, जो भी आता है मुसलमान कौम को बोलता है, तो तुम्हारी माँ की चूत मुसलमान कौम के इतनी हल्के में ले रहे तुम लोग। और जो भी देखो मुसलमानों को टारगेट बना रहे, मुसलमानों को टारगेट बना रहे, हाँ तुम्हारे बाप का राज है क्या, कि तुम्हारे अकेले का हिंदुस्तान है, जितना तुम्हारे गैर दूसरे कौमों का हिंदुस्तान है ना, उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। इसके लिए ये देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया, क्योंकि इधर हिंदू मुसलमान सब मिलके, इसके लिए सबका हिंदुस्तान है। तो ये पटला और नीतीश राणे, नीतीश राणे और झाटू इतना सा डेढ़ फुटिया बराबर से अभी पैदा भी नहीं हुए, आधा अंदर जमीन के आधा बाहर है। तू क्या बोल रहे, मस्जिद में घुस के मारेगा, हाँ तेरी तेरी माँ का दूध क्या है ना, अरे बाप की औलाद है ना, तो कोई भी मस्जिद में, इधर नहीं खाली किधर भी, कोई भी मस्जिद में जाके तू घुस के खाली नाटक करके दिखा। फिर आप समझते हैं कि औरत लोग भी कम नहीं है, बराबर हम लोग सारा जानती है। और ना अगर मुसलमान कौम के औरत लोग भी एकता हो गए ना, अगर रैली निकाले ना, तो निकाल कहीं नहीं लगेगा, समझे, खाली फोटो पे जाट बराबर के एमएलए बने लगे, समझ रहे कि मैं बहुत बड़ा एकदम तवंगर बन गया हूँ। हाँ था कौन, तू नेपाली था, नेपाली हर पहले तो हमारे ठाकरे सर के इधर, तेरा बाप पहले वो गोरखा था, वॉचमैन था, समझा, तो तेरे बाप को वार्ड अध्यक्ष बनाए थे ठाकरे साहब ने, तो उसके लिए तेरे को उसमें पार्टी में तेरे को भी ज्वाइन करे। तो जब ये चीज, अगर ये चीज तू पहले करता ना, जब हमारे ठाकरे साहब रहते, तब तेरे को समझ में आता। आज तुम लोग की बीजेपी की सरकार है, तो तुम लोग क्या समझ रहे हो कि सब कौम वाले को, हम लोग को मुसलमान कौम को तुम लोग दबाओगे, तो किसी के बाप का नहीं खाते मुसलमान कौम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मुसलमानों के बिना कोई काम नहीं होता है, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना, समझ गए ना। ये 800 के झाटू हुए नीतीश राणे आए हैं ना, ये मुसलमान को ज्यादा यही है, तो मुसलमान लोग भाई लोग इसके छूटिए के भड़काने पे इतना मत आना, इसके कैसे माँ चोद लेगा, वो सब मुसलमान लोग को मालूम है कैसे इसकी माँ चोद लेगा। लेकिन मुसलमान भाई लोग क्यों कपचे बेटे मार लो, मैं कैसे बेगुना बच्चे लोग को लोग फंसा डालते, जबरदस्त ना टासु भी पाना करके ना इसमें मुसलमान के बच्चे लोग को फंसा डालते ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान किसी के कम, किसी के बाप से नहीं रहने वाले। तुम लोग 10 आ जाओ और एक मुसलमान के बंदे को छोड़ दो, पूरा पड़ेगा पूरे। और जब से ना हिंदू मुसलमान था ही नहीं, जब से ये सरकार आई है ना, तब से पूरे देश का ये पूरा सत्यानाश रह गया। पहले जैसा हमारा भी हिंदुस्तान रिया भी नहीं गया, दूसरे एक दूसरे से तासु भी पना कर दे, अरे वो मुसलमान, अरे वो लांडिया भाई, अरे वो गांडिया भाई, अरे लगा के क्या रखे तुम लोग ने यार। हाँ पहले एक अपन इंसान है, पहले इंसानियत को देखो, फिर बाद में तुम कौम को बीच में लेकर आओ। अरे नीतीश राणे ने ना बहुत गलत स्पीच दिया, मस्जिद में मारेगा मारेगा, तो मारा बोले ना नीतीश राणे को आज आ रहा, और हाजी अराफत भाई ने जो स्पीच दिया ना, वो एक नंबर। अराफत भाई हम लोग सब आपके साथ, हाजी अराफत भाई हम लोग सब पूरी टीम, रात को भी बुलाना, हमारी पूरी टीम आएगी इंशाल्लाह, औरतों की टीम आएगी ना, तो फिर कैसा काका घुसेगी वो भी तू देखना। और हम लोग अगर कोई कौम वाला बोल दे रहे तो ताबड़तोड़ उसके घर पे पुलिस, उसके केस। और जब ये हिंदू लोग बोल रहे हैं उसमें तो कुछ भी नहीं, अभी क्या है, बुड्ढे को मारे,
ट्रेन में बुड्ढे को मारे, कितना मारे बिचारे, क्या उसको जामनगर छोड़ गए, क्या हो गया, कितना मारे। अगर वो यही मुसलमान लोग अगर कोई हिंदू बुड्ढे को मारते थे ना, आज आतंक मचा डालते थे, मुसलमान लोग के घर में घुसते हिंदू लोग मारते थे, मुसलमान के औरत लोग को रोड पे चलने का दुश्वार कर देते थे लोग, ट्रेन में जाना बुरका पहन के दुश्वार कर देते थे। हाँ, और हमारे जो मुफ्ती साहब है उन्होंने तो कोई ऐसा भाषण भी नहीं दिया भड़काने वाला, ना उन्होंने ऐसे कोई तकरीर ना कोई ऐसा बयान दिए कि मुसलमान है तो आप लोग हिंदू लोग उनको मारो, उनको नजर नीचे रख के देखो, ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं किया। हमारे नबी के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, खिलाफ जो बोला गया है हाँ, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, इतने FRI हुए, इतने मुसलमान लोग बाहर निकले, कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी अगर एक बार मुसलमान बोलता ना तो बाप रे बाप, आज हमारे मुफ्ती साहब को परेशान करे, अभी तक उनकी जामीन नहीं मुफ्ती साहब की। हाजी अरब भाई, हम तुम्हारे साथ में हैं और हम हमारे कौम के इंसान के साथ में, और मेरे को कितने लोग अब मेरे हमारे कौम के लोग बोलते कि आपा तुम हिंदू लोग के त्यौहार में जाते हो, गणपति में जाते हो, दहीहंडी में जाते हो, और यही मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो तुम ऐसे लोग का सपोर्ट करते हो, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी हो जाएगा गरम। सही बात है यार, हम दूसरे कौम के बारे में हम लोग इज्जत करते हैं, वो लोग की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा कुरान ये नहीं सिखाता कि दूसरे कौम के बारे में, और जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है ना, हमारे नबी ने ये नहीं सिखा कर गए, हमारे नबी का तो यही कॉल है कि अगर मुसीबत में कोई परेशानी में तकलीफ में है तो उनकी जात पात मत देखो, धर्म मत देखो, हेल्प करो, पहले जाके उनकी जो हेल्प हो मदद हो सके वो मदद के लिए खड़े रहो, ये हमारे नबी ने सिखा कर गए। और ये निलेश राणा पटले पटले डेढ़ फुटिया तू हमारे आया, जब से पार्टी में MLA बना है तो तेरे को तो औरतें लोग का बाजार लेके जाके तेरे को चप्पल से मारना चाहिए, समझा ना, तेरे को तो बहुत रोड पे तो को लागे ना नंगा करके मारना चाहिए साला, तू क्या आया जब तक भड़काऊ भाषण दे रहा है, तू नेता बना है ना तो गरीब लोग की हेल्प कर, सबको मिला के रख, बीजेपी का नाम बढ़ा, बीजेपी में कितने नेता हमारे हाजी अराफत भाई को बीजेपी में ना, हमारे हाजी अराफत भाई के थ्रू कितने मुसलमान बीजेपी में जा रहे, कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे, हाजी अराफत भाई तो मुसलमान लोग को लेके बीजेपी में जा रहे की नहीं भाई, हमारे मुसलमान लोग का भी नाम होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान लोग का काम होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी, और हमारे भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं मुसलमान, बहुत सारी फ्रेंड लोग हैं, उन लोग भी बीजेपी में हैं, हाँ तो आज तक उन लोग ने कभी ऐसा नहीं बोले, तू तो जहाँ जा रहा है वहाँ मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे, हमारे मीरा रोड में भी जो नया नगर में झगड़े हुए थे लपड़े हुए थे, तू यहाँ पे इधर फालूदा बाबा फालूदा के इधर आके उधर पे आके तमाशे किया कि 5 मिनट के लिए ये हटा दो, ये यहाँ से डिवाइडर हटा दो, 5 मिनट के लिए मेरे को छोड़ दो, मैं देखो क्या करता हूँ, अरे तुम्हारे ना 10 मारे हैं ना तो मुसलमान एक मारने की तो ताकत, अरे एक ऐसा मारते हैं कि फिर पूरा होश ठिकाने पे आ जाता है, एक कभी हमारे हाथ का भी छापड़ खा के दे गांडू को तू भी याद रखेगा, हमारी कौम तलक का कोई आएगा ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे हमारा सर कलम हो जाए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। अरे बीजेपी में एक ही नेता ऐसा हिंदू मुसलमान का, तो बाकी बीजेपी में कितने नेता लोग इधर जाता है ना, वो लोग पुलिस वाले लोग के बारे में कभी गलत नहीं बोले, मुसलमान लोग के बारे में कभी गलत नहीं बोले, ये नीतीश राणे ऐसा जो बेचारे पुलिस वाले लोग को गलत सलत बोलता है, जाता है पुलिस वाले लोग के औरत लोग को गलत सलत बोलता है, हाँ मुसलमान के कौम को गलत सलत है, वो नेता बनाया किसने रे पटले, पुलिस वाले को भी चैलेंज करता है, तेरी वर्दी काट लेगा, तेरी वर्दी है तेरे बाप का, अरे पुलिस है ना आज हम ये इंडिया में इधर हिंदुस्तान बैठे हम लोग, पुलिस नहीं रहेगी ना तो तेरे देश से 10 लोग आ गए ना एक दूसरे का मर्डर करने नीचे, तो पुलिस की इज्जत करना नहीं चाहता तो दूसरे की इज्जत क्या करेगा, हमारे हिंदू बहन भाइयों से हमारी गुजारिश है कि ऐसे भड़काऊ भाषण पे आप लोग जरा भी ध्यान ना दें और जरा भी ये झाटू की बात ना सुने, जैसे हमारी पहले एकताई थी वैसे एकताई में रहो, मेहरबानी करो कि ये तो जब स्टेज पे आता है थोड़े देर के लिए आता है बोलता है और बच के चला जाता है, मालूम नहीं क्या हुआ था, ये आया भाषण दिया उसमें ये तो चले गया भाषण देके, कितने हिंदू भाई लोग पे बेचारे लोग पे केस हो गया कि आया क्या ये झाटू आया छुड़ाने आया, किसी का भी घर का हाल चला के पूछा गया, ये यही काम करता है, हिंदू भाई लोग को सबको जमा करता है, भड़काऊ भाषण देता है और ये भोसड़ी का चले जाता है, झाटू है ना, और उसमें जो हिंदू भाई लोग बेचारे लोग पे केस बनता है, तो तू ऐसा काम करता है कि वो अपने लोग को अटका कर चले जाता है, तेरी औकात है क्या हमारे मुसलमानों की मस्जिद में घुसने की, अरे तेरे को 10 जन्म लेगा ना तब भी तू मस्जिद में घुस के मार सकता है, मस्जिद तरफ चलेगा तो अलहमदुल्ला सब मुसलमान के लोग भी घर से बाहर निकल जाएगी, ऐसी मस्जिद में हमला करते हो जो खाली रहती है, अभी 16 की मस्जिद में भी तुम लोग ने कितना तोड़फोड़ किए, कितना हमारे कलाम पाक की तोहिन की है, इसका तुम्हारे को ऐसा इसका फिटकार मिलेगी ना कि तुम लोग भी सोचते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या,
तो मुसलमान के नाद में मत लगो, वो लोग गपचुप बैठे ना, तो अपने बच्चे लोग को सोच सोचने में बेगुनाह बच्चे, गरीब लोग के बच्चे अटक रहे, बाकी मुसलमान लोग का मदद भी ले रहा है, कम नहीं है। और ये इंडिया में ना जितना हिंदू की जरूरत है उतना मुसलमान की भी जरूरत है, बिल्कुल हर हर धर्म के लोगों का हिंदुस्तान है ये। इतने सराने तू तो ना जितना भी बज रहा है ना बज रहे, क्यों बज रहा है, ये तुम लोग की सरकार है इसके लिए। बाद में तू क्या करेगा, तू चप्पल संभालता है, आजू बाजू तेरे प्रोटेक्शन ले रहे ना बच्चे बटले, तो हमारा एक मुसलमान का बच्चा ही तेरे को ले लेगा, समझ में आ रहा है क्या, छोड़ेगा भी नहीं तेरे को। बड़े हिंदू लोग के भाई के फंक्शन में जाती, वो लोग त्यौहार मनाती, वो लोग के भगवान लोग को हम लोग रिस्पेक्ट करते, तो तुम लोग भी हमारे नबी को हमारे मस्जिद में ऐसा गलत बोलोगे तो हम लोग कैसा बर्दाश्त करेंगे यार, ये बताओ तुम लोग भी बताओ, अगर हम लोग तुम्हारे को उनके बारे में बोल देवे तुम लोग बर्दाश्त करोगे, अगर यही चीज हमारे कोई बोल देवे हाँ कि भाई तुम्हारे मंदिर में जाके हम लोग तोड़ फोड़ करके आएंगे और तुम्हारी मंदिर में आके मारेंगे, तो तुम लोग खामोश रहेंगे। और आगे का ब्लॉग अभी तुम लोग मेरे यूट्यूब पे देखो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है, पूरा यूट्यूब पे आएगा।